नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। घर वालों ने शादी का दबाव बनाया तो नाराज होकर चली गई छात्रा देवप्रयाग में मिली। जिले में एक लड़की घर से लापता हो गई। लड़की के चाचा ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को देवप्रयाग से सकुशल ढूंढ निकाला और परिजनों को सौंप दिया। वहीं जांच में पता चला कि परिवार वालों द्वारा शादी का दबाव बनाने से नाराज लड़की घर छोड़कर चली गई थी। देहरादून में खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर सेमिनार, खिलाड़ी हुई सम्मानित। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं की खेल में भागीदारी विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान खेलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। पटवारी पेपर लीक के खिलाफ युवा जन आक्रोश महारैली, रामनगर में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर रामनगर में युवाओं ने युवा जन आक्रोश महारैली निकाली। इस दौरान युवाओं ने बार बार पेपर लीक होने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तराखंड में आया भूकंप, गढ़वाल से कुमाऊं तक हिली धरती। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं सहित देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देहरादून और उधम सिंह नगर के काशीपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली और NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के डर से लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.8 रिक्टर स्केल आंकी गई। हरक सिंह रावत बोले, 2019 में बीजेपी को पुलवामा अटैक का फायदा मिला, इस बार काम नहीं करेगा टोटका। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि यदि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण पुलवामा अटैक था। यदि 2019 में पुलवामा अटैक नहीं होता तो बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि इस बार हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव 2024 में 100 सीटों का नुकसान है, ये सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी। पंजाब से लड़की भगाकर लक्सर पहुंचा यूपी का युवक, GRP ने पुलिस को सौंपा। थाना GRP लक्सर ने नाबालिग लड़की को भगाकर लाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक यूपी और नाबालिग लड़की पंजाब की निवासी हैं। आरोपी युवक पर नाबालिग किशोरी के अपहरण का मुकदमा भी पंजाब में दर्ज है। फिलहाल GRP ने मामले की जानकारी जुटाने के बाद दोनों को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया। CBRI प्री फैब्रिकेटेड घरों का कर रहा निर्माण, दूसरे विकल्पों पर भी विचार। जोशीमठ भूधसाव के बाद सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रखने के जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान विस्थापित परिवारों के लिए बागवानी विभाग, हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पास स्थित भूमि पर 1, 2 और 3 BHK प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण कर रहा है। 8 मार्च से मायके में रह रही थी पत्नी, पति ने ससुराल जाकर कर दी हत्या। किच्चा कोतवाली पुलिस ने मामले विवाद में पत्नी के चाकू से गुदकर हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि विवाद के बाद महिला अपने मायके में रह रही थी। मायके में रहते उसे करीब 8 माह हो गए थे। आरोप है कि विवाद के चलते आरोपी रिजवान ससुराल पहुंचा और चाकू से गुदकर पत्नी की हत्या कर दी। गदरपुर में 20 लाख की अफीम के साथ यूपी के 2 तस्कर अरेस्ट। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों नशा तस्करों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी अफीम की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। CM धामी ने दिए भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश, हर 15 दिन में होगी समीक्षा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर CM धामी ने बड़ा ऐलान किया है। CM धामी ने परीक्षाओं में तेजी लाने के साथ ही शासन स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हादसा स्थल नारसन से हरिद्वार तक है 8 ब्लैक स्पॉट, सरकार को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार उड़की के नारसन पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हादसे को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। सरकार ने भी सड़क का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। सड़क सुरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि नारसन से शांति कुंज हरिद्वार तक 59 किलोमीटर लंबी सड़क पर 22 दुर्घटना संभावित स्थान है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मार्ग पर 8 ब्लैक स्पॉट भी है, यानी 8 जगह ऐसी है जहाँ बार बार हादसे होते रहते हैं। 29-30 जनवरी को अहम बैठक, भारत जोड़ो यात्रा पर महेंद्र भट्ट का तंज। उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की अहम बैठक आगामी 29-30 जनवरी को ऋषिकेश में होगी। इसके लिए बीजेपी की ओर से तैयारियां जारी हैं। हालांकि इससे पहले कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा होना बाकी है, जिसको जल्द पूरा किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उठाए जाने वाले जोशीमठ मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। मोबाइल पर भी बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड, ये होगी खासियत। उत्तराखंड राज्य में अप्रैल महीने से 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए अभी से पर्यटन विभाग समेत अन्य विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुट गए हैं। पिछले साल की खामियों से सबक लेते हुए इस साल वो खामियां सामने न आए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा में जाने वाले वाहनों के ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड अब मोबाइल पर भी बन सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोबाइल ऐप तैयार कर लिया है। अब सचिव परिवहन के साथ इस ऐप
व चारधाम यात्रा के संबंध में बैठक प्रस्तावित है। इन ऐप को नाम देने के साथ ही इसे लॉन्च करने के संबंध अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर, 22 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत, 3 घायल। मंगलवार सुबह घर से फैक्ट्री ड्यूटी पर निकली एक 22 वर्षीय युवती की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वो अपने भाई के साथ बाइक पर सवार थी। रास्ते में सामने से आ रही एक अन्य बाइक के साथ उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई और अन्य दो लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। जल्द मिलेंगे 80 नए डॉक्टर, वेतन बढ़ा तो कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा तोहफा दिया है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी का 10 वर्ष बाद वेतन बढ़ाया गया है। साथ ही बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में 80 नियमित फैकल्टी जल्द लाने वाली है। इस मौके पर रावत ने कहा कि स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने के बाद कार्मिकों और फैकल्टी की स्थिति सुधारने का काम किया है। हर की पैड़ी पर ड्रोन उड़ाकर शूटिंग कर रहे थे पंजाब के श्रद्धालु, हुआ चालान। हर की पैड़ी क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि हर की पैड़ी क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। जैसे ही पुलिस को ड्रोन उड़ाने की सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को सीज कर व्यक्ति का चालान किया। 31 जनवरी से थम सकते हैं बसों के पहिए, कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार का ऐलान। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हल्द्वानी रोडवेज के कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 31 जनवरी की मध्य रात्रि से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। रोडवेज कर्मचारियों के संपूर्ण कार्य बहिष्कार के ऐलान से 31 जनवरी की मध्य रात्रि से बसों के पहिए थम सकते हैं। जनसंकल्प फाउंडेशन ने लगाया स्वास्थ्य शिविर, श्रमिकों पुलिस कर्मियों का किया इलाज। रुद्रपुरा के गौरीकुंड में जनसंकल्प फाउंडेशन ने लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर 50 लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। दरअसल केदारनाथ यात्रा सम्पन्न होने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए मरीजों को जिला चिकित्सालय या फिर श्रीनगर की दौड़ लगानी पड़ती है। जबरानी बांध प्रभावितों के विस्थापन की कवायद तेज, 3 श्रेणियों में बसाएंगे। उत्तराखंड में कई बांध परियोजनाओं की कवायद चल रही है, जिससे कई गांव प्रभावित श्रेणी में आ रहे हैं। जबरानी बांध भी उन परियोजनाओं में से एक है, जिसके बनने से कई गांव प्रभावित होंगे। लेकिन जबरानी बांध के परियोजना प्रबंधन ने लोगों को विस्थापित करने की तैयारी तेज कर ली है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री ने किया गंगा पूजन, संभाला पदभार। श्री गंगा सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन गौतम और महामंत्री तन्मय विशिष्ट ने गंगा पूजन के बाद पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि वो हरिद्वार की तीर्थ पोहितों के विश्वास पर खरा उतरेंगे, साथ ही हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती को और भी दिव्य और भव्य रूप से करने का काम करेंगे। सेतु बंधन योजना से बनेंगे 2 रेलवे फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहां से ही सैलानी पर्वतीय अंचलों का सफर करते हैं। इसी कारण हल्द्वानी में सैलानी और अन्य जनपदों से आने वाले लोगों की भीड़ होती है। वाहनों की भीड़ से शहर में जाम की स्थिति बन जाती है। अब लोक निर्माण विभाग जाम को लेकर कमर कस चुका है और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को घेरा, कार छीनने के बजाय रोजगार देने की नीति हो। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने विधानसभा अध्यक्ष को विधिक राय देने से इनकार किया है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मामले में जो फैसला लेना है विधानसभा अध्यक्ष को ही लेना है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले में खुद घिरती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने उत्तराखंडी ब्रह्म कमल टोपी को बनाया ब्रांड, युवाओं में बड़ा क्रेज। उत्तराखंड में टोपी पहनने का कल्चर काफी पुराना है, अक्सर लोग यहां पर टोपी पहने दिखाई देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी क्या पहनी, इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। युवा पीढ़ी में इसका क्रेज तब से लगातार बढ़ता चला गया। पाबो में चारा पत्ती लेने गई महिला के साथ हादसा, सैकड़ों मीटर गहरी खाई में गिर कर मौत। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जानवरों के लिए चारा पत्ती लेने जंगल जाना पड़ता है। इसी क्रम में महिलाओं को दुर्गम पहाड़ी और चट्टानों का चढ़ना पड़ता है। ऐसे ही कठिन रास्तों में उन्हें आना जाना पड़ता है। पाबू ब्लॉक की महिला भी चारा पत्ती काटकर घर लौट रही थी, इसी दौरान चट्टान से पैर फिसला और वो सैकड़ों मीटर गहरी खाई में जा गिरी। साथ में गई महिलाओं ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकिता की माने सीएम धामी को याद दिलाया वादा, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से नाराज। अंकिता हत्याकांड केस में सुनवाई के लिए विशेष लोक अधिवक्ता की नियुक्ति से पहले अनुमति नहीं लेने से अंकिता मां सोनी देवी नाराज हैं। उन्होंने सीएम धामी को भी उनके द्वारा किया गया वादा याद दिलाया। साथ ही उन्होंने पुलिसकृत आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के समय उनके प्रतिनिधि के मौजूद रहने की भी मांग उठाई। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का विस्तार, केदार रावत उपाध्यक्ष तो देशराज खंडवाल बने महामंत्री। देहरादून में उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन का विस्तार किया गया। इस दौरान केदार रावत को उपाध्यक्ष और देशराज खंडवाल को महामंत्री बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक संगठन ने राज्य सरकार को 15 बिंदुओं पर सुझाव भेजा है।
बारिश शुरू, होटलों के ध्वस्तीकरण का काम जारी, आवासीय मकान का कुछ ताड़ा। जोशीमठ में दोपहर को मौसम बदला और हल्की बारिश शुरू हो गई। वहीं होटल माउंट व्यू और मलारी इनके ध्वस्तीकरण का काम जारी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के ध्वस्त किए शाम गृह के पास आवासीय मकान के आंगन का पोस्टर ढह गया। उधर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन भी नहीं थम रहा। आपदा प्रभावितों के लिए HDRI के पास उद्यान विभाग की भूमि पर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।